अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। आज के अगर हम क्लोजिंग देखें तो अगेन एक डोजी फॉर्म हुआ है जो हम पिछले तीन कंटिन्यूसली सेशन में देख रहे हैं कि यहाँ पे लोअर साइड पे एक लो हुआ था, यहाँ पे बनाया था 39,800 के अराउंड, और ड्यूरिंग सेशन जो है 39,542 का भी लो किया था। बट ये जो अगर हम इस कैंडल की बॉडी ले, जो नया लो बना था वो 39,800 के अराउंड था, और मार्केट जो है उसी के अराउंड परफॉर्म कर रही है, यहाँ पे जो साइडवेज हो गई है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा आवरली चार्ट पे अगर हम देख लें तो हमको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त मार्केट की मूवमेंट जो है बहुत नैरो बैंड में हो रही है। ये देखें, जब ये जो है अभी इस वक्त जो है 40,152 से लेके 40,545 तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और आवरी चार्ट में भी देखेंगे यहाँ थोड़ा सा मार्केट बुलिश होती है, फिर अगेन यहाँ पे साइडवेज होती है, फिर अगेन यहाँ बुलिश होके जो है फिर बेयरिश कैंडल बनती है, फिर साइडवेज हो रही है। और वॉल्यूम भी अगर हम देखें तो वॉल्यूम वॉल्यूम का इंडिकेटर, वॉल्यूम देखें तो थोड़े से एक अगर हम देखें तो लास्ट आवर में इंक्रीज हुए हैं। इसी तरह अगर हम डेली में नज़र डालें तो डेली में भी ऑब्वियसली यह देखें मार्केट या साइडवेज हुई है, और यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम लास्ट पिछले सेशन के मुकाबले में यहाँ इस सेशन में इंक्रीज हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखें तो अराउंड 10 बिलियन का इंक्रीज देखा है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसमें इंक्रीज नहीं है। तो इसको अगर मद्देनजर अगर हम चलें, यहाँ एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा ये जो ब्लैक लाइन मैंने यहाँ की हुई है, ये RSI पे हल्का सा यहाँ पे एक ये बुलिश डाइवर्जेंस हम यहाँ देख रहे हैं, और ये भी देखें यहाँ पे भी छोटा सा बुलिश डाइवर्जेंस है, और RSI वैसे भी ओवरसोल्ड जोन में है। अभी आप इसमें डेली में अगर हम देखें तो RSI 36 पर है, और आवरली पे हम एक मिनट आवरली पे भी नज़र डाले थे, आवरली में अभी RSI 45 पर है। ठीक है, तो अभी हम हो सकता है कि ये इंट्राडे में थोड़ा अगर डाउनसाइड अगर आता है तो वो कहाँ तक आ सकता है ये भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर ये मैं आपको बता दूँ, ये वाला डेली में ये जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है, तो इसमें ये वाला लेवल जो है, मैंने यहाँ बना दिया है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लूँ, ये ट्रेंड लाइन को ये रिटेस्ट कर सकता है 38,829, ये यहाँ पर आ रहा है तकरीबन समझे अराउंड 38,800 के अराउंड, ये वाला लेवल हम रिटेस्ट होते हुए दे सकते हैं 38,700, 38,800 ये वाला लेवल, ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है इसको हम देखते हुए। अच्छा, अब दूसरी इंडिकेशन अप फॉर अपसाइड और डाउनसाइड वो आपकी है, एक मिनट ये मैं हटा दूँ, ये रिमूव कर दूँ, CPR। तो CPR में भी अगर हम देखें तो बहुत काफ़ी नैरो हो गया है इसकी जो CPR का रेंज है, अपर बैंड लोअर बैंड, और तो इसमें अगर हम देखें तो वॉलेटिलिटी आने वाले दिनों में आ गया, आने वाले एक दो सेशन में हम देख सकते हैं। अब वो वॉलेटिलिटी नीचे डाउन साइड होगी अपसाइड, इसकी इंडिकेशन आपको CPR देगा। अगर CPR 39,700 इस वक्त ये है, इसके नीचे जो परफॉर्मेंस मिलती है तो फिर यहाँ पे ये 38,700 और इवन 37,000, जो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एक्सपोज्ड है 37,100 फॉर डाउन साइड, और फॉर अपवर्ड मूवमेंट इंडिकेशन CPR की हमको मिलेगी 40,000 से के अराउंड से। यहाँ पे देखें ये वाला जो है, देखें यहाँ पे मार्केट गई तो थी यहाँ पे, ये वाला इस दिन 22 जुलाई को जो है इसने हाई भी किया था 40,152, और इसकी क्लोजिंग जो है वो 40,000 के अराउंड आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेकेंड डे जो है बेरिश
डोजी फॉर्म हुआ, फिर अगेन ये। अच्छा वैसे ही मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे देखें ट्वीज़र बॉटम बनने के चांसेस हैं, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि यहाँ एक ट्वीज़र बॉटम और ये डबल ट्वीज़र बॉटम जो बन चुका है और RSI भी ओवरसोल्ड जोन में है, हो सकता है इंट्राडे में कोई ऐसी न्यूज़ आती तो हम यहाँ तक स्पाइक देख सकते हैं 39,500 से लेके 38,800 तक एक स्पाइक बनता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद यहाँ से मार्केट अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकती है। बहरहाल आपने डाउन फॉर अपसाइड एंड डाउनवर्ड यहाँ से आपने CPR से आपने इंडिकेशन लेनी है, ठीक है। और CPR की इंडिकेशन मैं आपको बता दूँ, फॉर अपवर्ड मार्केट शुड सस्टेन 40,000 एंड अबव, यहाँ सस्टेन करना चाहिए और यहीं पर उसकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट ये यहाँ पे जाके 40,500 पे जाके अगर करेक्शन ये इंडेक्स लेता है तो हमें यहाँ पे समझे 40,100 और 40,000 के अराउंड ये एंट्री लेनी चाहिए विथ स्टॉप लॉस बिलो 39,500। तो हम यहाँ से फिर मजीद अपसाइड देख सकते हैं और जो रेजिस्टेंस लेवल होंगे इसके बाद 40,500 के बाद 41,142 या 41,150, 41,700 और 42,350 के अराउंड ये लास्ट ये समझे टारगेट होगा। यहाँ से हो सकता है मार्केट फिर मजीद अगर रिजेक्शन लेती है तो नीचे की तरफ मूवमेंट हम देख सकते हैं। तो इसी को देखते हुए आप ट्रेड करें और मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट मार्केट दिखा सकती है क्योंकि रोल ओवर वीक है और अनाउंसमेंट सीजन है इस वक्त, अभी काफ़ी स्टॉक है इनके अनाउंसमेंट आना बाकी है, तो इसी की वजह से मार्केट या साइडवेज है। और अगर अच्छी कोई न्यूज़ आती है ऑन पॉलिटिकल फ्रंट और इकोनॉमिकल साइड तो यहाँ से मज़ीद आप अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं। अच्छा आज का स्टॉक मैंने, वैसे तो मैंने बोला था कि मैं पिक नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों की जो फरमाइश, मैंने बोला था कि आपने जो एनालाइज करवाना है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें कि भाई आपने कौन सा स्टॉक एनालाइज करवाना है, तो कुछ दोस्तों ने कहा था तो उस स्टॉक को मैंने एनालाइज भी किया था। तो अगेन वही, अगर किसी को एनालाइज करवाना हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दे कि कौन से स्टॉक को एनालाइज करना है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको एनालाइज करने की और आपके साथ शेयर करने की। अच्छा अभी जो मैंने पिक किया उसकी वजह ये है कि ये FFL फौजी फूड, उसकी वजह ये है कि इसने राइट काफ़ी दिए हैं। अभी इसका जो राइट देने के बाद जो नेट फ्लोट है वो 25% है और अभी रिसेंटली मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं, ये तो इसका आ गया कोट। अच्छा इसके अगर अब अभी अच्छा खुला हुआ है तो हम देख भी लेंगे, कंफर्म कर लें। हाँ फ्री फ्लोट जो है उसका 25% है और इसमें अगर हम देखें इसकी जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी 22 जुलाई को, उसमें ये कहा जो है ये हाँ रिकमेंड किया उन्होंने इंक्रीज ऑथोराइज शेयर्स कैपिटल फ्रॉम 18 बिलियन रुपीज़ टू 28 बिलियन रुपीज़, तो ये तकरीबन 10 बिलियन रुपीज़ का जो है ये इन्होंने रेकमेंड किया है कैपिटल इंक्रीज करने का, तो ऑलमोस्ट ये तकरीबन 55.5% बनता है। तो अगर ये अप्रूव हो जाता है तो क्योंकि इस वक्त ये स्टॉक डाउन साइड पर है और तो अपसाइड अपसाइड मूवमेंट हम देख सकते हैं। अब इसको हम ज़रा टेक्निकली भी देख लें, डेली टाइम फ्रेम में हम देखें तो ये, एक मिनट इसको मैं ज़रा जूम इन कर लूँगा तो बहुत ही नज़र नहीं आ रहा है। हाँ अच्छा ये देखें काफ़ी लोअर साइड पे इसकी मूवमेंट आ रही है और RSI भी देखें तो 30 के अराउंड है, बहुत ही ओवरसोल्ड जोन में है। RSI पे अगर हम देखें तो हल्का सा बुलिश डाइवर्जेंस आ रहा है, देखें यहाँ पे ये अगर ये नीचे आ रहा है वो उस पर देखें इंडेक्स में सॉरी इसकी प्राइस पे, तो इसके RSI पे बुलिश डाइवर्जेंस हम यहाँ देख सकते हैं।
दूसरा अगर हम सीपीआर भी देखें तो इसके ये भी इसी तरह साइडवेज है, फ्रॉम 22 जुलाई, ठीक है, ये 3 दिन से इस वक्त अभी साइडवेज है। यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुआ था, फिर अगेन ये भी दो डोजी है, एक पिन बार है, और अभी ये स्पिनिंग टॉप बना है डोजी, लेकिन है मॉर्निंग स्टार सारे। और है उसको हम ट्विजर, अगर कल भी एक डोजी फॉर्म होता है तो डबल ट्विजर बॉटम हम यहाँ इस तरफ देख सकते हैं। और सपोर्ट जो है उस वक्त 6.17 6.16 इसी के अराउंड है, और क्लोजिंग जो है इसकी 6.18 पे आई है। तो आने वाले दिनों में हम इसमें भी अपसाइड देख सकते हैं, क्योंकि लोअर साइड पे एक्यूमुलेट हो रहा है, कंसोलिडेट फेज में चला गया है, तो ये इसका जो टारगेट है वो 6.76 रुपये, इनिशियल टारगेट है वो 6.73 रुपये से लेके 6.91 रुपये यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि ये अभी मैंने शॉर्ट ग्राफ में ये रेजिस्टेंस लेवल बनाया है, और ये सपोर्ट लेवल है, ट्रेंड लाइंस सपोर्ट है यहाँ पे इसकी। तो इसको देखते हुए आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, डाउन साइड पे देखें, यहाँ पर भी इसी से मैंने लिया था, तो ये 6 रुपये 6.17 रुपये हो सकता है, 6 रुपये भी एक स्पाइक दे दे ये, तो ये यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर ये 55% राइट अप्रूव हो जाते हैं तो इसके टारगेट्स हम जो है देख सकते हैं इधर, अगर इसमें रैली बनती है, ये मैं थोड़ा जूम इन जूम आउट कर दूं, तो इस वक्त जो टारगेट मैंने यहाँ पे सेट किए हुए हैं 10 रुपये, 12 रुपये 50 पैसे, 14 रुपये 80 पैसे, 16 रुपये और 17 रुपये 80 पैसे, ये टारगेट हो सकते हैं। यहाँ से हम यहाँ पर यहाँ तक रैली बनते हुए देख सकते हैं। इवन अगर उसमें वॉलेटिलिटी बहुत हुई तो ये यहाँ पर भी जो है ये वाला 19 रुपये 13 पैसे तक भी ये रिटेस्ट कर सकता है। मैं यहाँ पे भी एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, चांस तो कम है लेकिन हो सकता है भाई, अगर ये इस पर कोई रैली बनती है अच्छी, वॉल्यूम इस पर जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, 16 रुपये 20 पैसे, 16 रुपये 13 पैसे, ये एक जो है टारगेट होगा अपसाइड के लिए मैक्सिमम। तो डाउन साइड पे मेरे हिसाब से तो यहाँ एक्यूमुलेशन फेज में है, यहाँ पे भी देखें तो ये एक्यूमुलेट हो रहा है। और दूसरा इसमें अगर हम देखें तो ये फॉलिंग वेज एक छोटा सा यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर हम ये मैं क्लियर कर दूँ, ये देखें ये हल्का सा ये फॉलिंग वेज बनता हुआ नजर आ रहा है, ये अगर आप देखेंगे जब ये मैं जो लाइन बता रहा हूँ, नीचे वाला बैंड जो है और ये वाला बैंड, ठीक है, तो ये भी एक एक तरह से समझे बुलिश पैटर्न है। और वैसे भी स्टॉक काफी बहुत लो प्राइस पर है। अच्छा, इसका अगर हम अभी जो अनाउंसमेंट आई थी उसमें इसका क्वार्टरली अर्निंग आई थी, माइनस लॉस आया था, लॉस पर शेयर -4.8 पैसा, इससे पहले जो क्वार्टर में आया था 0.38, इंक्रीज हुआ है। दो के जो टॉप लाइन है, जो इसकी सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके जो अदर एक्सपेंसेस हैं इंक्लूडिंग फाइनेंशियल कॉस्ट, ये सब इनके जरा बड़े हायर साइड पे होते हैं। अब शुरू से देखें तो इनकी सेल जो है इंक्रीज हो रही होती है इसी, बट ऑन द अदर एंड इनके जो है एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे होते हैं। इसकी वजह मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि क्यों इतने इतने इंक्रीज हो रहे होते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल कॉस्ट जो है इनकी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो वैसे देखा जाए तो कोई इतना अच्छा स्टॉक नहीं है, डिविडेंड ओरिएंटेड भी नहीं है, लेकिन बस ये लोअर साइड पर है तो उसको आप यहाँ पे फॉर ट्रेडिंग पर्पस ले सकते हैं। हो सकता है अच्छा आने वाले दोनों में अच्छा गेन दे सकता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।